नमस्कार, स्वागत है आपका। कोरोना कोविड 19 इस समय महामारी के रूप में फैला हुआ है और जन की जान कैसे बचे इस बात को लेकर शासन प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। बात करेंगे फिलहाल में मध्य प्रदेश के दमोह की। दमोह के जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर तरुण कुमार राठी ने एक आदेश को जारी करते हुए रात्रि 8 से लेकर सुबह 5 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने बाजार को खोलने का जो समय है वह 7:30 बजे तक काम तक के लिए निर्धारित किया है और शेष समय में कर्फ्यू लागू रहेगा। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण कुमार राठी और पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान के साथ में प्रशासनिक हमला निकला सड़कों पर यह देखने के लिए कि आदेश का कितना पालन हो रहा है। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए लगातार यह अमला चक्री दिखा। बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के दमोह नगर की, जहां यह अमला चल रहा था, निकल रहा था और घंटाघर पर लगभग 8:15 पर यह अमला पहुंचा। उन्होंने यहां पर खुली हुई दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की। लगभग 2500 रुपए की राशि यहां पर जुर्माने के रूप में वसूली गई। जब कार्रवाई चल रही थी उसी दौरान में एक अलग वाक्य सामने आया। एक किराना स्टोर सम्राट किराना स्टोर के संचालक द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उसका हाथ पकड़कर उसको घुमाया गया, उसके साथ अभद्रता की गई, जबकि वास्तविकता कुछ और है। यह जो सैनिक है, जिस सैनिक के ऊपर आरोप लगाया गया, वह वीडियो में कहीं भी ऐसा कुछ करता हुआ दिखलाई नहीं दे रहा था, परंतु मामला बिगड़ता गया। यहां पर जो हाल ही में एक वर्ग के अध्यक्ष बने हैं, व्यापारी वर्ग के संजय यादव, उनके और प्रशासनिक अमले के विरोध में जमकर बहस हुई। आइए पहले हम दिखलाते हैं कि क्या है वह स्थिति जब वह सम्राट किराना स्टोर के पास वह सैनिक पहुंचा, तो वह किस प्रकार उसको सम्राट किराना स्टोर के मालिक को लेकर आया, जिसमें वह कहीं भी दिखलाई नहीं दे रहा है कि उसको साथ अभद्रता हुई या फिर उसके साथ में किसी प्रकार को उसके हाथ को पकड़कर ले जाया गया। और अब देखते हैं कि किस प्रकार हुई यहां पर बहस, और बहस का स्वरूप इतना बिगड़ता गया, इतना बदलता गया कि यह जो बात है वह चर्चाओं के बाजार में गर्म होती देखी गई। शासन प्रशासन के नियमों को, धारा 144 को, कर्फ्यू के नियमों को, निर्देशों को धटा बताते हुए यहां पर क्या हुआ, आइए देखते हैं और सुनते हैं किस प्रकार हुई बहस। व्यापारी की दुकान ब्रेड 7:35 के अंदर हो रही है, उसके बाद जो उसको लेके घुमा रहे जैसे कि वो चोर हो या चुरखट हो या कोई व्यापार, उसने बहुत बड़ा दंड कर दिया हो कि आप उसको लेके एक GST भरने वाले व्यापारी को आप मार्केट में घुमा रहे हैं, घुमा रही है तो मार्केट यहाँ लेके साफ से बोल रहे थे, हमारे पास ही लेके आप बोल रहे थे हम लोग तो यहाँ पे, तो मैंने वो ही कहा कि आप उसका नाम लिख रहे हैं, आप उसका नंबर लिख रहे हैं, बताओ के पास आइए, मैं पूरी तरह सपोर्ट करिए, हमारे भी कुछ खुशी नहीं कि हम लोग ये बंद करा कर रहे हैं। जुल्म करेगा वो चोरी है, ये कैसे बोल रहे हैं सर, चोरी नहीं कर रहे हैं, मैं सही से बोल रहा हूँ, 7:30 का क्या मतलब है, करना है 7:30 का क्या मतलब है, क्या मतलब गलती करा के लिए फिर उसने भाई साहब चला के बात अच्छे से बात कर रहा है, व्यापारी साहब के साथ संजय यादव बात अच्छे से कर रहा हूँ, मैं तो मैं भी अच्छे ही से बात कर रहा हूँ,
अच्छी से कर रहा हूँ, ये कैसे बोल रहे हैं मुझे हाथ दिखा के? नहीं नहीं, वो एक से मतलब सही जो बोल रहा हूँ तो वो भी चेक कर पा रही है, उठाएगी है क्या? आप उसको उठा रहे हैं, मेरे तरफ से गलती की है बस, इसको तो हम आप उठा रहे हैं, मेरे पास नहीं होगा, अरे हो गया आम आदमी, आम आदमी वो व्यापारी मेरे पास आया भैया, मैं एक घंटे से घुमा रहा है, मेरे एक घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, मेरे को यही बता रहा इस पूरे बहस के बाद सिटी कोतवाली के थाना प्रभारी एचआर पांडे अपने बल के साथ पहुंचे, उनसे भी कुछ बहस हुई, आइए हम आपको वह भी सुनवाते हैं। संगठन है इसका मतलब ये नहीं होता संगठन का कि हम मनमानी करेंगे और शासन के आदेश हो गया अवेलना करेंगे, ये बिल्कुल नहीं होता, पकड़ के नहीं किया। उसका दुकान है, आप दुकान हो गए सर, तो अभी आए शंकर स्टोर में, देखो एक बात सुनो, हमारे पास आ रहा मैम, आप संगठन का मतलब ये बिल्कुल कतई नहीं है कि आप नियमों की अवहेलना करें, और नियमों की अवहेलना नहीं करें, 5 महीने से व्यापारी ही कौन से तो सुना और देखा आपने कि किस प्रकार यहाँ पर बहस हो रही है, और सीधे सीधे चैलेंज, खुला चैलेंज, क्या हुआ 5 मिनट विलंब तो क्या हुआ, यह जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर चला, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय दंडाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और सहयोगी मजिस्ट्रेट, तीन तीन यहां पर मजिस्ट्रेट, और जिले के मजिस्ट्रेट स्वयं सड़कों पर, और फिर कानून को धता बताते हुए लोग निकले सड़कों पर, और यह जो सड़कों पर लोग निकले, व्यापारी निकले, और इन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए कि हमारे व्यापारी को इन्होंने हाथ पकड़कर घुमाया है, हम सहन नहीं करेंगे। वहीं इसी दौरान बबीता राठौर जो कि मजिस्ट्रेट हैं, सिटी के तहसीलदार हैं, उन्होंने इस बात को ख़त्म करने के लिए एक बात कही कि भाई सामने वाले को जुर्माना करवा दीजिए, बात हम यहीं ख़त्म कर देते हैं, क्या जवाब हुआ आइए हम आपको वह भी सुनवाते हैं। तो फिर मुकदमा कायम करेंगे, क्यों फिर मुकदमा होगा मैडम? आप मुकदमा दायर कर दीजिए, हम लोग सोमवार तक मार्केट बंद रखेंगे, ठीक है? आप जुर्माना, हम लोग नहीं खोलेंगे दुकान, हम लोग दुकान नहीं खोलेंगे, आप जुर्माना कर लीजिए। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं क्या कहना है व्यापारियों के हाल ही में बने अध्यक्ष संजय यादव का। उसने टैक्स देते हैं, जीएसटी भरता है वो, यदि 7-35 पे दुकान बढ़ाई तो कोई इतना बड़ा अपराध नहीं कर दिया है, आप उसका नाम ले लें, आप उसका नंबर लिख लें, यदि आपको लगता है तो आप उस पर कार्रवाई करें और उसे जाने दें, और साहब को आप बता दें कि फलाना स्टोर वाला है ना, जीएसटी भरता है, सब भरता है वो, और मैंने इनका नाम नोट कर लें, मोबाइल नंबर ले। तो सुना आपने किस प्रकार के आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, वह आरोप संजय यादव ने लगाए शासन प्रशासन के ऊपर, और इसके बाद सारे के सारे व्यापारियों को लेकर वह पहुंचे सिटी कोतवाली, सिटी कोतवाली पे धरने में बैठे और लगातार नारेबाजी चलती रही। धारा 144 कर्फ्यू लगा हुआ और लगातार हो रही नारेबाजी, वह भी सिटी कोतवाली प्रांगण में, कानून को धता बताते हुए यह सारे लोग यहां पर बैठे हुए थे, संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जो जिनके कंधों पर कानून के पालन कराने का भार है, वह यहां पर क्या कर रहे थे, क्या नहीं कर रहे थे, यह तो जांच का विषय है, पर चर्चाओं का बाजार इस समय गर्म है। आखिर यह जो नियम है, यह कायदा है, जो कानून है, जो धारा 144 है या कर्फ्यू हुए, वह क्या सिर्फ सामान्य व्यक्तियों के लिए है? एक भीड़ इकट्ठी करना,
और भीड़ इकट्ठी करने के साथ में सीधा सीधा कानून को धता बताना, क्या यह कोई नियम है? किसके दबाव में आखिरकार हो रहा है? अगर इसी का सहारा लेकर कोई दूसरा वर्ग इसी प्रकार प्रदर्शन करने लगे और दबाव की राजनीति करने लगे तो क्या उसके साथ भी यही होगा? क्या कानून की स्थिति बिगड़ेगी नहीं? अनेक प्रश्न और अनेक चर्चाएं इस समय पूरे शहर में फैली हुई हैं। एक बार बैठक, दो बार बैठक और साथ में धरना और प्रदर्शन। क्या है मामला? किस प्रकार होगी कार्रवाई? किस पर होगी कार्रवाई? क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, परंतु इस समय चर्चाओं का बाजार जमकर गर्म है। देखते रहिए एलएनवी टीवी, जुड़े रहिए हमसे, मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।